नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, ये उत्तराखंड करंट अफेयर 2020 की 2022 का मैराथन वीडियो होने वाली है और ये मैराथन वीडियो का है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन आपको बताए और ये आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैराथन वीडियो का सेकंड पार्ट। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू है। हाल ही में जारी विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योगपीठ के किस व्यक्ति को शामिल किया गया? तो जो विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची है, तो इसमें पतंजलि योगपीठ के किस व्यक्ति को शामिल किया? तो ये है आचार्य बालकृष्ण। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आचार्य बालकृष्ण को विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। अब देखिए, जो ये सूची है ये किसने जारी की? तो यूएसए की एक जो आप बोल सकते हैं संस्था है, एक यूएसए की है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यूएसए की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और यूरोप की है यूरोपियन पब्लिशर्स एल्सेवियर। तो इन दोनों ने जारी की है विश्व की अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची, और उसमें इनका नाम भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 102 है, पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो जो पौड़ी में लैंसडाउन है, इसका नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम बदल कर रखा जाएगा कालो डांडा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब देखिए, जो कालो डांडा है, पहले भी लैंसडाउन का नाम कालो डांडा ही था, और अब दोबारा से फिर बीच में लैंसडाउन हुआ और अब दोबारा से इसका नाम कालो डांडा रखा जाएगा। तो पुराना नाम भी क्या था? कालो का डांडा था। और जो लैंसडाउन छावनी है 1887 में, 1887 में लैंसडाउन छावनी की स्थापना की थी ब्रिटिश सरकार ने। और जो 1890 है, तो 1890 में जो वायसराय है लॉर्ड लैंसडाउन, तो इनके नाम पर रखा गया था जो कालो डंडा का नाम लैंसडाउन। और यहां पर क्या है, जो गढ़वाल रेजिमेंट है इसका मुख्यालय है, और अब दोबारा जो लैंसडाउन है इसका नाम कालो डंडा रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो जो लखपति दीदी योजना है ये उत्तराखंड में शुरू की जाएगी। तो उत्तराखंड में शुरू की जाएगी, और इसका उद्देश्य क्या है? जो 1.25 लाख महिला है इनको लखपति बनाने के लिए ये योजना है, इसलिए इसका नाम है लखपति दीदी योजना। तो महिलाओं के लिए, और 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने संबंधी योजना है। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किया यहां पर प्राकृतिक कृषि बोर्ड। तो सी ऑप्शन, प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू की जाएगी? तो परिवार पहचान पत्र किस राज्य की तर्ज पर शुरू की जाएगी? तो हरियाणा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी परिवार पहचान पत्र शुरू की जाएगी, और इसका मकसद क्या है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है वो बड़ी आसानी से उत्तराखंड के सभी परिवार पर सीधा पहुंचे, इसके लिए एक पहचान पत्र बनाया जाएगा और जिसके तहत इन योजनाओं का लाभ परिवार को मिल सकेगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया? तो 2022 का जो गौरव उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार है ये दिया गया 5 लोगों को। तो इसमें जो 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, और टोटल यहां पर 5 लोगों को दिया गया। तो कौन कौन से? तो सबसे फर्स्ट में आगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, तो अजीत डोभाल को ये आपका जो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार ये दिया गया है। दूसरे हैं जो भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, तो दूसरा प्रसून जोशी को ये क्या है, जो भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी, तो ये 2 व्यक्ति हैं। और जो 3 और हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, तो इनमें कौन कौन से? पहला है, तीसरे हो गए पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन से हैं, कौन थे? स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत। और चौथे हो गए आपके जो लेखक थे, कवि थे और गीतकार रहे हैं, स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी। तो गिरीश चंद्र तिवारी। और जो पांचवी है
पांचवें आपके पास जो ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, स्वर्गीय वीरेन डबराल, वीरेन डबराल ने डंगवाल, तो इनको ये उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से नवाजा गया इन पांच लोगों को। क्वेश्चन नंबर है 107 है, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है यहां पर तीसरा राज्य जो कि पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रहा है। अब जो इसमें पहले जो दो राज्य हैं वहां के पास कर्नाटक और दूसरा हो गया मेघालय, तो कर्नाटक और मेघालय में ये सेवा शुरू है। और अब तीसरा जो राज्य है वो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड यहाँ पर 1962, ये एक टोल फ्री नंबर है जो कि जारी किया, और इसके जरिए लोगों को जो पशुओं के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 108 है, राज्य के किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया? तो कौन सी जगह किया गया है? तो चंपावत में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो सीएम धामी है इन्होंने उत्तराखंड के पहले बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया, कौन सी जगह? चंपावत में। दोस्तों जो ये करंट अफेयर है इसकी कंप्लीट जो उत्तराखंड वार्षिकांक 2022 है कंप्लीट ई बुक आपके लिए बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप चाहें तो वहां से इसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहाँ किया? तो यह शुभारंभ किया गया हरिद्वार में। तो हरिद्वार में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी, और यह हरिद्वार के कहाँ किया गया है? पंत द्वीप। तो पंत द्वीप में ये जो इसका शुभारंभ जो जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 है इसका शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 110 है, राज्य के किस जिले की जो मानसी नेगी है इन्होंने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया? तो स्वर्ण पदक हासिल किया है 10 किलोमीटर वॉक रेस नेशनल जो रिकॉर्ड है, तो ये कहाँ की है? तो ये है आपकी चमोली की। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब देखिए इनको उड़नगल, उत्तराखंड की उड़नगल के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तराखंड की उड़नगल है मानसी नेगी, और इन्होंने 10 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा जो चंपावत है तो चंपावत के हैं सचिन सिंह बोहरा, सचिन सिंह बोहरा, इनको भी जान लेते हैं। तो इसी गेम में यहीं पर जो ये क्या है जो ये वॉक रेस है इन्होंने क्या किया है, तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीता है, और सचिन ने 10 किलोमीटर वॉक रेस में कौन सा मेडल जीता है? रजत, तो रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। और जो ये है मानसी नेगी उड़नगल के नाम से जानी जाती है इन्हें, ये चमोली की है और इन्हें स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। और सचिन सिंह बोरा कहाँ के हैं? तो ये है आपके चंपावत के। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी को कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये होगी आपकी हल्द्वानी में विकसित, जो पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी है ये हल्द्वानी में विकसित होगी, भारत का ये पहला होगा। ठीक है, लगभग 100 करोड़ इसकी लागत में बनेगा यहाँ पर पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो अंतरिक्ष से जुड़े यहां पर अध्ययन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे ओली में, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ओली में 2023 में विंटर गेम्स आयोजित किए जाएंगे, और ये कब से कब तक होंगे? तो 2 से और 5 फरवरी, तो 2 से 5 फरवरी 2023 में शुरू किए जाएंगे ओली में विंटर गेम्स आयोजित। क्वेश्चन नंबर 113 है, हाल ही में राज्य की कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2021 मिला? तो दो नर्सों को मिला फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2021, कौन कौन सी है? एक है शशिकला पांडे है,
जिन्हें यह अवार्ड मिला, शशिकला पांडे, और दूसरी है गंगा जोशी। तो इन दोनों को मिला है फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है। तो पहली जो एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है उसका नाम है कसमकस। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, जो कसमकस है ये उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है, और इसके जो निर्देशक है वह आपके दीपक रावत। तो दीपक रावत द्वारा ये बनाई गई है पहली शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है कसमकस, और ये अगस्त में रिलीज हुई है, और अब तक इसने राष्ट्रीय स्तर पर 8 पुरस्कार ये हासिल कर चुकी है। और इसकी जो लंबाई है तो लेंथ है 7 मिनट। तो 7 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है, और ये किससे इन्होंने प्रेरणा ली है, तो एक यूरोपियन चित्रकार है वेन गोग की पेंटिंग। तो उनकी पेंटिंग है वेन गोग की, जो पेंटिंग है इससे इन्होंने प्रेरणा ली है। इसकी जो कहानी है तो इसकी कहानी एक दंपति की है, जिसमें जो प्रसव होता है, तो प्रसव के दौरान जो दंपति है उसकी पत्नी की वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो कसमकस इस फिल्म का नाम है और पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 115 है, नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? तो उत्तराखंड होगा यहाँ पर पहला राज्य, जो कि अब कुलपति नियुक्त होंगे, उन्हें शपथ दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइंस की हवाई सेवा शुरू की जाएगी? तो इसका नाम है बुद्धा एयरलाइंस। तो बुद्धा एयरलाइंस उत्तराखंड और नेपाल के बीच एयरलाइंस जो हवाई सेवा है ये शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 117 है, उत्तराखंड के ध्रुव डांगी ने हाल ही में 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, कि जो ध्रुव डांगी है इन्होंने 41वीं जो नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता है इसमें कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर है 118, किस शहर में आकाश फोर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो आकाश फोर लाइफ जो अंतरिक्ष सम्मेलन है ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा देहरादून में। तो देहरादून में ये आयोजित किया गया, कब से कब तक किया गया? 5 से 7 नवंबर को ये किया गया, यहाँ पर 5 से 7 नवंबर 2022। तो ये आकाश फोर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन देहरादून में किया गया। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से किसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो बागची ग्लेशियर, नहीं बागची तो बुग्याल है, तो बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर। तो बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, राज्य की पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया, उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया था? तो कौन से पर्वत पर उन्होंने सफल आरोहण किया था? तो माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू, इन दोनों पर। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तो ए एवं बी दोनों। तो जो सविता कंसवाल है जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है, तो उन्होंने इन दोनों पर्वत पर सफल आरोहण किया था, और 2022 में ही इन्होंने यहाँ पर आरोहण किया था। तो ये कहाँ की है? उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के जो भटवाड़ी भटवाड़ी ब्लॉक है यहाँ की ये रहने वाली थी सविता कंसवाल। तो इन्होंने क्या किया 2022 में, पहले तो माउंट एवरेस्ट आरोहण किया था, उसके 15 दिन बाद लगभग माउंट मकालू पर भी इन्होंने सफल आरोहण किया था। तो जो आपका माउंट एवरेस्ट है, तो यहां पर उन्होंने 12 मई, तो माउंट एवरेस्ट पर 12 जो मई 2022 को इन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, और उसके कुछ दिन बाद ही 28 मई को माउंट मकालू का भी सफल आरोहण किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जो इनका अभी हाल ही में निधन कहाँ हुआ था, तो द्रौपदी का डांडा। तो निम्न ने एक कोर्स किया था, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स है, तो यहाँ पर कुछ प्रशिक्षक शामिल किए गए थे, और वहां पर जो पर्वतारोही
पर्वतारोही सविता कंसवाल, इनका जो द्रौपदी का डांडा है, तो एवलांस में से दबने से इनकी वहां पर मृत्यु हो गई। देखिए इन्होंने क्या किया है, तो माउंट जो लोहत्से है इसका भी इन्होंने सफल आरोहण किया है। कब? 2021 में। तो ये चीज भी इनके बारे में है कि जो माउंट लोहत्से है इनका सफल आरोहण इन्होंने किया है 2021 में, और ये विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। क्या? माउंट लोहत्से। तो इसका जो सफल आरोहण इन्होंने 2021 में किया था, और माउंट लोहत्से पर तिरंगा फहराने वाली जो सविता कंसवाल है, ये भारत की दूसरी महिला पर्वतारोही है। क्वेश्चन नंबर 121 है, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ऋषभ पंत को। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में कॉमनवेल्थ गेम्स में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? जो लक्ष्य सेन है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये कौन से जिले के हैं? तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं लक्ष्य सेन, और बैडमिंटन ये खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा? तो कौन से जो टाइगर रिजर्व है वहां पर मोदी सर्किट विकसित करेगा? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो कहां पर राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तरकाशी में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। और कौन इसको कराएगा? तो निम कराएगा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो इसके तरफ से ये कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किया, ये किस क्षेत्र शुभारंभ किस क्षेत्र से किया? तो जो पुष्कर सिंह धामी है इन्होंने ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ कौन से क्षेत्र से किया? तो ये कि इन्होंने रुड़की से। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 126 है, टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, जहां से टनल पार्किंग शुरू की जाएगी। तो टनल पार्किंग के लिए उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो यूकोस्ट है के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर दुर्गेश पंत को, जो राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट है इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। और जो ये यूकोस्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था? तो ये जो परिषद है इसकी घटना हुई थी 2005 में, इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128 है, हाल ही में उत्तराखंड में कहां पर भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम खोजा गया? तो भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम कहां पर खोजा गया? तो नैनीताल में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, नैनीताल में पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 129 है, राज्य के ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर नया नाम होगा। तो नया नाम क्या होगा? नया नाम है पलायन निवारण आयोग। तो अभी तक इसका नाम था ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, और अब इसका नाम बदलकर रखा जाएगा पलायन निवारण आयोग। अब देखिए जो ये ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग है इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया था 2017 में, और इस टाइम किसके कार्यकाल में स्थापना इसकी गठन किया गया था? तो त्रिवेंद्र रावत। तो जो उस टाइम त्रिवेंद्र रावत सीएम थे, और त्रिवेंद्र रावत के द्वारा ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था, और जिसका नाम अब बदलकर पलायन निवारण आयोग रखा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड से पलायन को रोकना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 130 है, नवाचार सूचकांक में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो
तो दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड। अगर बात करें देश में तो जो भारत के टॉप 3 नवाचार सूचकांक में आते हैं, तो फर्स्ट में आता है कर्नाटक। ये देश के बाद, ये राज्यों की बात, ये क्या है पहाड़ी राज्यों की बात नहीं है, टोटल पूरे देश की बात है। पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे पे है तेलंगाना, और तीसरे पे आता है हरियाणा। तो हरियाणा यहां पर तीसरे नंबर पर आता है। अगर बात करें पहाड़ी राज्यों की सूची में, तो पहाड़ी राज्यों में पहले नंबर पे आता, अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहाड़ी राज्यों, तो ओवरऑल पूरे देश की बात थी, अब केवल पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में पहले नंबर पर आ रहा है मणिपुर, दूसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका मणिपुर है और दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड, तो दूसरे नंबर यहां पर से बी ऑप्शन सही जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 131 है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में IIT रुड़की ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो IIT रुड़की ने यहां पर 7वां स्थान प्राप्त किया, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में पद्मश्री अवधेश कौशल जी का निधन हुआ है, वो थे एक, तो जो पद्मश्री अवधेश कौशल जी का निधन है तो वो क्या थे, तो वो थे एक समाज सेवी, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ये एक समाज सेवी थे। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में उत्तराखंड की किस लोक कला को GI टैग मिला है? तो कौन सी लोक कला है जिसे GI टैग मिला है? तो एपण, तो एपण को मिला है GI टैग, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये एपण क्या है, ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक कला है एपण। क्वेश्चन नंबर 134 है, हाल ही में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा, देहरादून में। तो जो 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है, ये देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया, और इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन जो आपके पास हमारे जो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, और ये कब हुई थी, जुलाई के महीने हुई थी। क्वेश्चन नंबर 135 है, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों को प्रतिमाह कितने रुपए की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो कितनी दी जाएगी, 1500 रुपये। तो उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में मुख्यमंत्री धामी ने ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ कहां पर किया? तो ये क्या, रुड़की में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 137 है, हाल ही में किस व्यक्ति को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया, तो विपिन सांघी को, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, विपिन सांघी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कितने व्यक्तियों और संस्थाओं को SDG गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कितने किया गया, तो 27 लोगों को, 27 व्यक्तियों को SDG गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड के किस जिले में लगाई गई है? तो किस जिले में लगाई गई है, नैनीताल में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, पहली तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड के नैनीताल में लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर है 140, हाल ही में जारी हुए चौथे राज्य खाद्य सूचकांक 2000 सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, इस बार है यहाँ पर उत्तराखंड का 7वां स्थान, तो सी ऑप्शन इससे इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड यहाँ पर 14वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर है 141, हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य नृत्य महोत्सव में
उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उत्तराखंड को मिला यहां पर पहला पुरस्कार, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तराखंड ने यहां पर जौनसारी संस्कृति का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 142 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के त्रैमासिक बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार शहरी बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का यहां पर है पहला स्थान, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की ओर से 14 एवं 15 मई को ऋषिकेश संगीत समारोह 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ऋषिकेश जो संगीत समारोह 2022 है, तो इसका आयोजन किस मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा? तो संस्कृति मंत्रालय इसी काम में होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश जो देसाई है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, हाल ही में निम्न में से उत्तराखंड किस पर्वतारोही ने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया? तो उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया था? इनका नाम है सविता कंसवाल, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है द्रौपदी का डंड में। क्वेश्चन नंबर 146 है, केदारनाथ धाम मंदिर पैदल यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला पहला ऑपरेटर कौन है? तो मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला पहला ऑपरेटर है रिलायंस जियो, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किस जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की है? तो कौन से जिले में है? तो यह है आपका नैनीताल जिले में, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नैनीताल जिले में है, तो यहां पर इन्होंने घोषणा की है, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसका गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर है 149, कुमाऊं रेजिमेंट ने हाल ही में दुर्गा कोट चोटी फतह की, यह चोटी कहाँ स्थित है? तो जो दुर्गा कोट चोटी है जिसे कुमाऊं रेजिमेंट ने हाल ही में फतह किया, तो यह चोटी कहां पर है? तो यह चोटी आपकी बागेश्वर में, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 150 है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य है उत्तराखंड, जो कि ड्रोन फोर्स बनाने वाला है, और ड्रोन फोर्स के जरिए आपदा में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में पुलिस की काफी मदद होगी इससे। क्वेश्चन नंबर 151 है, उत्तराखंड में प्रीपेड टैक्सी बूथ किस रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया है? तो प्रीपेड टैक्सी बूथ जो है वो उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया है? तो यह है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, तो यहां पर प्रीपेड टैक्सी बूथ शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 152 है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक बार फिर से ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया, यह संबंधित है? तो यह किससे संबंधित था ऑपरेशन मर्यादा? तो ये धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाने हेतु शुरू किया गया था। तो अब ये चला आपका कांवड़ मेले तक। क्वेश्चन नंबर है 153, हाल ही में 25वीं नेशनल सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में एक रजत व एक कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जीता अनु कुमार और अंकिता ध्यानी दोनों ने, तो अंकिता ध्यानी ने यहाँ पर रजत पदक और अनु कुमार ने कांस्य पदक जीता 25वीं नेशनल सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 154 है, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो क्षय रोग के मामले में उत्तराखंड को मिला है दूसरा स्थान, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, तो पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है और दूसरे स्थान पर ये मिला है उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 155 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप
को लॉन्च किया। तो ये किया उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से देश का पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेटर किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड राज्य द्वारा, जीआई बोर्ड, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जिससे कि जो स्थानीय उत्पाद होंगे इनको बढ़ावा मिलेगा और इनको एक अलग पहचान मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक होंगी। तो जो वन अनुसंधान संस्थान है, इसकी नई निदेशक कौन होंगी? तो डॉक्टर रेणु सिंह। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो डॉक्टर रेणु सिंह है, ये वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक होंगे। और ये कहाँ के हैं? तो ये आपकी जो मध्य प्रदेश कैडर है, इसकी 1990 बैच की ये IAS ऑफिसर है। और जो ये है, ये सविता सिंह। तो सविता सिंह के बाद FRI की ये दूसरी महिला निदेशक होंगी। तो ये भी है, तो दूसरी महिला नई निदेशक होंगी है। और इससे फर्स्ट जो FRI की पहली महिला निदेशक थी, उनका नाम था सविता सिंह। क्वेश्चन नंबर 158 है, हाल ही में उत्तराखंड के धसपड़ गांव को तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गांव उत्तराखंड के किस जिले में है? तो धसपड़ गांव की बात हो रही है, तो ये अल्मोड़ा जिले में है। अल्मोड़ा जिले में हो गया धसपड़ गांव। इसे तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस सम्मान किसके द्वारा दिया गया? तो उस टाइम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो इन्होंने इस ग्राम सभा को ये पुरस्कार दिया। क्वेश्चन नंबर 159 हैवी प्लस की खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में सबसे खुश और सबसे संतुष्ट राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड को मिला है यहाँ पर तीसरा स्थान। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। जो सबसे खुश है इसमें, जो सबसे टॉप पर आया है इस खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार, सबसे जो संतुष्ट राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश। सबसे फर्स्ट नंबर पे हिमाचल प्रदेश, दूसरा पे है पंजाब, और तीसरे पे है आपका उत्तराखंड। सबसे कम खुशहाली राज्य की बात करें तो सबसे कम में आता है उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा आता है मध्य प्रदेश, और तीसरा आता है बिहार। तो सबसे कम खुश है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और फिर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 160 है, IIT रुड़की ने हर साल किस तिथि को रिसर्च डे मनाने की घोषणा की है? तो किस तिथि को रिसर्च डे मनाने की घोषणा की है? तो 14 मार्च को। तो 14 मार्च को IIT रुड़की ने रिसर्च डे मनाने की घोषणा की है। और ये डे खास क्यों है, इसी दिन को क्यों चुना गया है? तो ये दिन है, ये जो इस दिन जन्मदिन होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन पर, जन्मदिन जो महत्वपूर्ण दिन है, इसके लिए इन्होंने रिसर्च डे मनाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 161 है, पेंचक सिलाट सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में निम्नलिखित में किसने कांस्य पदक जीता? तो जो पेंचक सिलाट सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है, तो यहां पर कांस्य पदक किसने जीता? तो गायत्री नेगी ने। तो गायत्री नेगी ने पेंचक सिलाट सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अब देखिए, जो ये पेंचक सिलाट है, तो यहां पर जो उत्तराखंड से गायत्री नेगी है, तो पहली महिला थी जिन्होंने ये पदक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 162 है, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया IIT रुड़की में। तो पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम गंगा, तो इसको IIT रुड़की में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 163 है, हाल ही में किसे ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे जो ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड है, तो ये सम्मान किसे मिला? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर सुरेंद्र धपोला को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो डॉक्टर सुरेंद्र धपोला को जो ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड है, इसे सम्मानित किया गया। और ये है डिग्री कॉलेज, जो बागेश्वर डिग्री कॉलेज है, इसके यहाँ पे गणित के यहाँ पे शिक्षक हैं, तो इन्हें ये सम्मान प्राप्त मिला। तो गणित के विभागाध्यक्ष है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित में
नवम मिन्सी किसान पुरस्कार 2022 के लिए किसे चयन किया गया? तो नवम मिन्सी पुरस्कार 2022 है, तो ये इसके लिए किसे चुना गया है? तो खुशी राम डबराल, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो खुशी राम डबराल कहाँ के हैं? तो चौपड़ियल गांव चंबा के, चंबा टिहरी गढ़वाल, यहाँ के हैं खुशी राम डंगवाल, और जिन्हें नवम मिन्सी किसान पुरस्कार 2022 के लिए चयन किया गया। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक बनेंगे? तो उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक इनमें से कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे डॉक्टर संदीप शर्मा, ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, उत्तराखंड की माधुरी बड़थ्वाल को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो इन्होंने जो 2022 का पद्मश्री पुरस्कार है तो किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया? तो इन्हें दिया गया यहाँ पर कला क्षेत्र में, तो कला क्षेत्र में दिया गया और पद्मश्री पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर है 167। निम्न में से उत्तराखंड की किस महिला को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा गया? तो यह है आपकी बसंती देवी, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, उत्तराखंड की वंदना कटारिया को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी से, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, हॉकी से संबंध है वंदना कटारिया। क्वेश्चन नंबर 159 है, 169 भाई, 2022 की न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रैंड ज्यूरी बनाई गई, तो 2022 की जो न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रैंड ज्यूरी है ये किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया डॉक्टर सना जाफरी को, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये कहाँ की है? तो नैनीताल की है, तो नैनीताल की है डॉक्टर सना जाफरी, और जिन्हें 2022 की न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रैंड ज्यूरी बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 170 है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन खिलाड़ी एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे? तो भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे यहां पर? तो नाम है इनका लक्ष्य सेन, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी है और सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि इस टीम का भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे इस चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्न में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है अखिलेश चंद्र रमोला, तो इनको इससे सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 172 है, निम्न में से किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक किसने जीता? संगीता किरोला ने, तो संगीता किरोला ने, ये क्या है धाविका है ये, तो इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 173 है, निम्न में से किसे ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सत्येंद्र सिंह भंडारी को 2021 का ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस लिए किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो ये पुरस्कार इन्हें दिया गया शिक्षा और पर्यावरण, तो इस क्षेत्र में जागरूकता के लिए इन्होंने इनके सराहनीय कार्य के लिए ये अवार्ड सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 174 है, हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो 2.09 वर्ग किलोमीटर, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो वन आच्छादित क्षेत्र है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी का, तो ये 17वीं वन रिपोर्ट है 2021 में, तो पौड़ी गढ़वाल का जो वन आच्छादित क्षेत्र है ये सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 176 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने।
बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 है, निम्न में से किसे भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो भक्त दर्शन जो गौरव पुरस्कार है 2021, किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर कमल किशोर, हाँ तो देखिए ये तो तीनों को ही किया गया, डॉक्टर अहमद परवेज, डॉक्टर अशोक कुमार और प्रोफेसर कमल किशोर, तो तीनों को ही भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो जो राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता है तो इसमें रजत पदक किसने जीता? तो करण ने, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो करण ने जीता रजत पदक, और करण कहाँ के हैं? बागेश्वर के हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है, निम्न में से किसने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसमें कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जीता शोभा और आरती दोनों ने, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 180 है, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो जो पहली क्रोकोडाइल सफारी है इसका लोकार्पण किया गया खटीमा में, तो खटीमा में ये किया गया। तो अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मगरमच्छों के संरक्षण के लिए। तो जो पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण खटीमा में किया गया, तो उद्देश्य इसके जो मगरमच्छ है इनके संरक्षण के लिए, और ये सफारी जो है ये सुरई रेंज ककरा नाले में स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए इस साल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे उत्तराखंड के, तो ये उत्तराखंड के करंट अफेयर है, और ये कंप्लीट दो वीडियो में जो मैराथन वीडियो थी इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 आपकी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको वार्षिकांक 2022 की बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।